अब आज जो मैं इस मौजू का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहा हूं उसका आगाज मैं आऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने अर्ज किया था कि अशिफा की जो अगली फसल है जिसका मैंने पहला जुमला पढ़ के सुना दिया था काजी एजाज रहमतुल्लाह अलैह, और फिर कुतुब के साथ आऊंगा कि जिसमें कलाम सरी गुस्ताखी साबित न हो और कलिमात गुस्ताखी पर दलालत न करें, बल्कि ऐसा कलाम कहा जाए जिसमें इहतमाल हो दोनों कुफर के भी और गैर कुफर के भी, तो उसका हुक्म क्या होगा? वो गुस्ताखी रसूल के ज़ैल में वो कलिमा आएगा या नहीं आएगा? अब मैं ये बात आपको समझाऊंगा, अपने मनगढ़ंत तसव्वुरात को जहां जहां तक मेरी आवाज जाएगी करोड़ों लोग सुनेंगे, उनसे दरख्वास्त होगी उनको निकाल दें जहन से, दीन पर जुल्म न करें खुदारा, अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपने जहन को दीन पर हाकिम न बनाएं, अपने जहन को इमाम अबू हनीफा पर हाकिम न बनाएं, अपने जहन को इमाम मालिक और इमाम शाफई के ऊपर हाकिम न बनाएं, अपने जहन को कुल मुहद्दिसीन और अइमा मुज्तहिदीन के ऊपर हाकिम न बनाएं, अपने आप को ताबे समझें। आप और हम दीन देने वाले नहीं हैं, हम किसी से दीन लेने वाले हैं। जिन्होंने दीन दिया और जिनके जरिए दीन पहुंचा और दीन की शरह पहुंची, उनसे समझने की कोशिश करें, उनके शागिर्द बने, उन आइम्मा के उस्ताद न बने। उसके बाद राय कायम करें कि कौन सा कानून और उसकी मौसरियत की क्या हुदूद।